टिकट कराना टिकट कराना तू करा के दे सब कुछ अवीरा साडी भैन नूं ना बाहर साडी भैन नूं बाहर वेच दिता इहने संपर्क जो होया मेरा भी कुड़ी भी बाहर गई है तो मैं उन्होंने गलबात की कुड़ी कहती भी मैं तेन बाहर भेज दूंगी पाकिस्तानी वीरे जो इन्होंने मैनू कॉल्स आनी शुरू हो गई सी गलत कॉल्स पाकिस्तानी उधरले लोग सीगे वीरे और रिकॉर्डिंग सारा मेरे को सबूत है कि उन्होंने जो मैनू उन्होंने रात का मैनू बनाते सीगे कि रात तेन इन्ने टाइम रखांगे तेन इन्ने पैसे देवांगे सारी मेरे को सबूत पए वीरे असल सिकंदर वीर जी उन्हों का धन्नवाद करती कि इन्हों का मेरा भी इन्होंने मैं वीडियो देखी इन्हों की फेसबुक पर देखी इन्हों की तो फेसबुक से इन्हें वायरल होई वीडियो वो देखिया तो फिर इन्होंने संपर्क किया वीरे उत्ते कुड़ियाँ चार पाँच होर फसिया हुई सी कुड़ियाँ कि मेरा उन्होंने संपर्क नहीं होया पंजाबी से कोई तरन तारण की कोई उत्थे अमृतसर की सी असी पासपोर्ट भी फिर उन्होंने फड़ लिया क्योंकि मैं निकल नहीं सकती सी उस टाइम पर क्योंकि मैं जंगल च पूरे फस गई थी उन्होंने दरखास्त दी हुई है थाने च भी दी है फिर जेडे वो अपने बने दूजे भी थाने दी हुई दरखास्त कोई जवाब नहीं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गल्फ देशों में इंडियन महिलाएं या फिर इंडियन लोग क्यों फंस जाते हैं। इसमें हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि भैया इंडिया की जो महिलाएं जाती हैं विदेश में वो गल्फ में क्यों फंसती है, उनको कौन फंसाता है। सबूत के तौर पे मैं दिखाऊंगा उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, उसका एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाया जाता है। लाइव वीडियो में एक लड़की ने बताया, उस वीडियो पर हम बात करेंगे। और भारत की महिलाएँ गल्फ देशों में क्यों फंसती है, दूसरे देशों में क्यों नहीं फंसती, इनको कौन फंसाता है, वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या क्या होता है। अगर कोई मान लो फंस भी जाती है आपकी बेटी कोई भी है तो उनको निकाले कैसे, इस पे बात करेंगे। गल्फ देशों में सबसे ज्यादा शिकायत कौन से देश की आती हैं, कौन से देशों में सबसे ज्यादा इंडियन महिलाएं फंसती हैं और वहां उनकी क्या क्या शिकायतें होती है, इस पे भी बात करेंगे। सरकार ने, भारत सरकार ने क्या कदम उठाए उस पे भी बात करेंगे। एजेंट क्या दिमाग लगाते हैं, हालांकि सरकार जो दिमाग अपना लगाती है तो एजेंट उनका तोड़ ढूंढ लेते हैं। इंडिया की महिलाओं को गल्फ देशों में कौन भेज सकता है, उनके अथोराइज एजेंट कौन है, इसमें डिटेल से हम इन सब टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। अगर यह जानकारी आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें आगे कोई दिक्कत आने वाली। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर रोज आपको नई नई अपडेट इस वीडियो में मिलती रहे। लेकिन मानो साथियों, अगर नेपाल की अगर बात करें ना, एक आंकड़े के अनुसार 50 से 60 लड़कियों को इंडिया में लाया जाता है तस्करी के द्वारा। जी हाँ, और उनको बिहार के जरिए लाया जाता है, बिहार बॉर्डर से क्रॉस होता है, उनको क्रॉस किया जाता है और उनको फिर दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली से गल्फ देशों में अलग अलग देशों में इनको भेजा जाता है। अब आप सोचोगे यार इंडिया लाके क्यों भेजते हैं ये लोग, डायरेक्ट भी तो नेपाल से भेजा जा सकता है। देखिए नेपाल की लड़की को किसी देश में जाने के लिए एम्बेसी की जो इंडियन जो नेपाली एम्बेसी है उनसे एनओसी लेनी होती है और एनओसी आपको पता है ऐसे तो नहीं मिलती, उनके लिए बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं और वो फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए उनको इंडिया में बुलाया जाता है। और इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इंडिया से आराम से विजिट वीजा में दूसरे वीजा में जा सकता है। आपने मैंने वीडियो बनाए थे पिछले लगभग 2 महीने पहले, 2 नेपाली महिलाओं को पकड़ा गया था और अभी 12 और नेपाली महिलाओं को जयपुर एयरपोर्ट पर रेस्क्यू किया गया है नेपाल की जो एम्बेसी थी उसके बोलने के बाद। अब आप सोचोगे यार कि तस्करी कैसे हो सकती है, लड़की तो जानबूझ के जाती होगी, तस्करी तो हो ही नहीं सकती, फ्लाइट में लड़की को जबरदस्ती कौन बिठा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं ना कहीं लड़कियों की सहमति होती है, उनको दूसरे देश में जाना होता है पैसा कमाने के चक्कर में, किसी भी पर्पज से वो जाना चाहती हैं तो वो किसी भी प्रकार से जाने के लिए कोशिश करती हैं, एजेंटों के संपर्क करते हैं। कुछ एजेंट उनको अपने झांसे में लेके और उनको बड़े बड़े सपने दिखा के विदेशों में भेजा जाता है। उसके बाद में उनके साथ आती है प्रॉब्लम की शुरुआत, खासतौर से गल्फ देशों। पंजाब मोगा की एक महिला को ओमान से रेस्क्यू किया गया था, उसने एक वाईफाई के जरिए एक संस्था से कांटेक्ट किया, उनसे पूरी बातचीत बताई तो उनको वहां से निकाल के इंडिया लाया गया। उनको भेजने वाली एक इंडियन महिला थी पंजाब की, जिसको एजेंट बोला जा सकता है। हालांकि एक एनजीओ के माध्यम से उनको हेल्प मिली, एनजीओ ने उनके घर पे पुलिस के हिसाब से दबिश दी पुलिस के साथ में, तो उनके वो घर पे और भी पासपोर्ट मिले, और भी बहुत सारी लड़कियों के पासपोर्ट मिले थे। और उस लड़की ने आने के बाद में अपनी बातचीत बताई कि मैं घर के मेड के लिए वहां पर ओमान में गई थी, 30 से 40 हज़ार रुपये मुझे सैलरी बताई गई, वहां जाते ही मेरा मोबाइल ले लिया गया, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मुझे जो मेड का काम बताया था वो कोई काम नहीं मिला, मुझे किसी से मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। उसके बाद में कोशिश करके मैं यहाँ तक आज इंडिया में पहुंची हूँ एक एनजीओ के सहयोग के माध्यम से। तब उन्होंने बताया कि मेरे नंबर लोगों को दे दिए गए, पाकिस्तानी लोगों के बीच में मैं रही, उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया, मेरे से शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए गए, अगर मैं मना करती तो मेरे साथ मारपीट करना, खाना नहीं देना, और भी बहुत सारे लोगों को मेरे नंबर शेयर कर दिए गए थे। वो व्हाट्सएप पर मुझे ये बोलते कि आप एक नाइट गुजारने के हमारे साथ कितना पैसा लोगे, उनकी मुख जबानी की ये बातें हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मुझे उस कमरे में रखा गया जिसमें फालतू का कचरा टाइप का सामान पड़ा रहता था, और उसी में मुझे रखा गया। आप इमेज भी देख सकते हैं, उस महिला ने अपनी इमेज भी साथ में शेयर किए हैं। शारीरिक ज़बरदस्ती, शारीरिक संबंध बनाना, मेरा मोबाइल नंबर वायरल कर दिया, लोगों के गंदे गंदे मैसेज आते थे, एक रात बिताने के आप कितना पैसा लोगे, इस तरीके से मेरे साथ हुआ था। आगे लड़की ने अपने बयान में बताया था कि मुझे यहाँ पे वर्क परमिट वीज़ा के नाम से लेके जाया गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद में मुझे पता चला कि हम वर्क वीज़ा में नहीं, हम सिर्फ विजिट वीज़ा में यहाँ पे आए हैं और मेरे साथ ये घटना हुई। और पंजाब की जो महिला थी उसने उनको भेजा गया था। हालांकि मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस ने कहा हम जांच जारी है, आगे जो भी तफ्तीश होगी हम आगे बताएंगे, जो भी प्रोसेस रहेगा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि गल्फ में औरतों को सिर्फ और सिर्फ यूज यानी मशीन की तरह मानते हैं? ये हकीकत भी है, गल्फ देशों में औरतों की इज्जत इतनी है जितनी एक मशीन की इज्जत होती है। मशीन का काम करना होता है। महिलाओं को भी यही आपको पता है, कोई तरह की कोई आज़ादी नहीं। यूरोप देशों को अगर देखा जाए या अन्य अपन इंडिया को भी देखा जाए तो इनको देखते हुए गल्फ देशों में मात्र 10% भी महिलाओं को सम्मान एक तरीके से नहीं मिलता। उनको इज्जत, जो उनके अधिकार हैं वो नहीं दिए जाते, सिर्फ उनको एक सेक्स मशीन की तरह यूज लिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको देखते हुए बता दूं, भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में सबसे ज़्यादा शिकायतें अगर की बात करें तो सऊदी अरबिया से पिछले 2 साल में आई थी। 202 महिलाओं ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें प्रॉब्लम थी। यूएई में 119 महिलाओं ने शिकायत दर्ज करवाई थी। कुवैत में 79 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। कतर में 9, ओमान में 23 और बहरीन में 9 ये कंट्रियों में महिलाओं ने शिकायत दर्ज करवाई। जहाँ तक मैं मानता हूँ ना, ये तो 0.0% भी शिकायत नहीं है, आप यकीन करें। बाकी महिलाएं तो बहुत ज़्यादा फंसी होती हैं, लेकिन कंप्लेन बहुत कम कर पाती हैं। 10% से भी कम का रेशियो रहता है शिकायत दर्ज करवाने। अब आप सोचोगे यार सरकार क्या कर रही है, तो बिल्कुल सरकार देखिए कदम उठाती है, नो डाउट। पहले क्या होता था कि घरेलू जॉब के लिए जो कोई महिलाओं को नियुक्त करते थे उनके लिए $2500, जी हाँ, सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती थी, जो सरकार ने अब बंद कर दिया है इसको, क्योंकि लड़की महिलाएं ज़्यादा जाने लगी हैं विदेशों में। तो सरकार ने भी इसको देखते हुए ये सिक्योरिटी वाला सिस्टम बंद कर दिया है, क्योंकि एजेंटों ने पता है ये सिक्योरिटी करवाना या फिर बहुत सारी कंडीशन, उनका इमिग्रेशन करवाना, 10वीं पास जो नहीं होती है, 30 साल से ऊपर की महिलाओं को लेके जाना, 30 साल से कम ऊपर की महिलाओं को नहीं लेके जा सकते। तो ये एजेंटों ने क्या फंडा कर दिया भैया, विजिट वीज़ा। आप यकीन मानो सरकार कितने कदम उठा ले, लेकिन एजेंट उनसे 2 कदम आगे हैं। सरकार जो कदम उठाती है ना, वो उठाती है विजिट वीज़ा की बात नहीं है, परमिट वीज़ा पर उठाती है कि कोई इंडियन महिलाओं को अगर अथोराइज करके लेके जाता है तो उनके लिए अथोराइज एजेंट सरकार ने बनाए हैं। उनको सिक्योरिटी राशि $2500 उनको जमा करवाने पड़ेंगे, इमिग्रेशन उनका करवाना पड़ेगा, विदेश मंत्रालय में उनका रिकॉर्ड होगा, 30 साल से पहले उनको लेके नहीं जा सकते। इन सबको धत्ता बताते हुए एजेंट एक ही तरीका अपनाते हैं, विजिट वीज़ा। यहाँ से विजिट में जाओ और वहाँ बंदे को फिर वो फंसाना, काम करवाना नहीं करवाना, वो आगे का प्रोसेस होता है। आप इस बात को एग्री करेंगे और करना पड़ेगा, जी हाँ। और विजिट वीज़ा में किसी महिला को सरकार ये भी नहीं बोल सकती इमिग्रेशन वाले कि आपको हम नहीं जाने देंगे। विजिट वीज़ा में सबको अधिकार है भैया जाने का, कौन मना कर सकता है कि हम नहीं जाने देंगे। और ये विजिट वीज़ा में वहाँ के लेके जाते हैं, वहाँ पर फंस जाते हैं। हालांकि सरकार देखिए समय समय पे पूरी कोशिश पहले से भी करती आ रही है। 18 देश सरकार ने ऐसे चिन्हित कर रखे हैं कि वहाँ पे 30 साल की से कम महिला को लेके नहीं जा सकते, और लेके ऊपर की महिलाओं को लेके जाते हैं तो उनको इमिग्रेशन करवाना जरूरी है, जिसमें गल्फ देशों के दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत ये कंट्री आ गए, इंडोनेशिया, लेबनान, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, जॉर्डन, लीबिया, मलेशिया, थाईलैंड और सूडान। ये कंट्रियाँ ऐसी हैं जिसमें इमिग्रेशन होना जरूरी है। बिना इमिग्रेशन के आप इस महिलाओं को वर्क परमिट वीज़ा में नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप यकीन करें लोग विजिट में लेके जाते हैं। महिलाएं खास आराम से जाती हैं, उनके साथ में वहां जाके फंस जाती हैं, वो एक अलग पता होता है। महिलाओं को खुद को पता भी नहीं होता, सच्चाई की बात यह है। और ये एजेंट वही होते हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता। फर्जी तरीके से, मान लो मेरा कोई वहां जानकार है, वो बोलता है यार 4 लड़कियों को भेज दे तो मोटा पैसा मिलेगा, तो मैं यहाँ से फर्जीवाड़े में बैठा हूँ, तो मैंने यहाँ से टोपी उड़ाई, किन को बेवकूफ़ बनाया, महिलाओं को बड़े सपने दिखाए, मैंने भेज दिया, मैंने इधर से महिलाओं से पैसे ले लिए, उधर से भी ले लिए, मैं राजा भोज, और ऐसी तैसी करवाएं अपनी, और वहाँ जाके फिर महिलाएं फंसती हैं, ये सच्चाई। हालांकि सरकार ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं भैया कि इन लोगों को सिर्फ अथोराइज एजेंसी हैं, हर स्टेट में अथोराइज एजेंसी बना के रखी है सरकार ने कि वहाँ से आप सिर्फ उनको लेके जा सकते हैं, लेकिन एजेंसियों तक पहुँचते ही नहीं है। जो फर्जी लोग हैं ना, जो उनको पहली बात तो वो अपने आप शिकार तक, लड़कियों तक पहुँच जाते हैं, महिलाओं तक पहुँच जाते हैं। दूसरा देखिए, जो अथोराइज एजेंसी है ना, उनके पास आपको चल के जाना होता है। मेरी बुक है, उसमें भी लोग बोलते हैं सर वो तो फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन पे रिस्पांस नहीं देंगे। नहीं देंगे जी, बिल्कुल नहीं देंगे। फ़ोन पे रिस्पांस देंगे जो फर्जी लोग हैं ना, उनको एक मिस कॉल कर दो, 4 बार लड़कियों को फ़ोन आएगा आपके पास दिन में, गारंटी लेता हूँ। व्हाट्सएप पे हाय हेलो सर क्या कर रहे हो, ऐसे मैसेज आएंगे। और जो मेरी बुक में जो एड्रेस है वो कॉल नहीं करेंगे, आप उनको 4 बार पूछोगे तो 1 बार बताएंगे वो, क्योंकि वो अथोराइज हैं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये सच्चाई की बात है। हाँ, आपको अगर उनकी ज़रूरत है तो आप उनके ऑफिस में जाएँ, टेबल टॉक करें और सामने बात करें तो आपका समाधान हो सकता है, लेकिन वहाँ आप इम्पॉसिबल है। बुक खरीदने के बाद भी आप लोगों ये स्थिति है, आप ये चाहते हो कि भैया अशोक एलएलबी ने बुक तो दे दी, कॉल कर रहे हैं तो मेरा काम तो फोन पे होना चाहिए था ना, फोन पे तो संभव नहीं है इतना होना। इसके लिए आप लोगों की ये शिकायत होती है। हाँ, इनके अलावा किसी से लोगों से आप संपर्क कर लो, वो आपको फ़ोन पे वीज़ा भी दे देंगे, ऑफर लेटर, टिकट वगैरह है, सब कुछ तो आपको फ़ोन पे करवा देंगे, पेमेंट भी फ़ोन पे। हाँ, आपको जाना फिर सीधा घर से निकल के फ्लाइट पे है, फ्लाइट पे आपके लिए तैयार पासपोर्ट टिकट सब कुछ होकर जाओ जी कनाडा सिंगापुर पहुँच गए। होता नहीं है, ये सपना ही होता है, वो घर तक ही रहते हो, आगे नहीं पहुँच पाते। नेपाल की लड़कियों का 50 से 60 लड़कियों का, आप यकीन मानो कि यहाँ से इस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, एजेंटों का एक फंडा है सीधा। ECNR पासपोर्ट है, आपके पासपोर्ट में 10वीं पास नहीं है, इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा, तो एजेंट आपको विजिट में भेजते हैं। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विजिट में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे आप दुबई जा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझें, दुबई का विजिट वीज़ा कहीं से भी लिया भैया, सरकार के पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं हो। कल को आप फंस गए तो आप कहाँ अप्लाई, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ भैया, मैन पावर ऑफिस से आप जाओ, ताकि आप पहुँच जाओ। तो उसके पीछे भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जिस ऑफिस की बनती है। विदेश मंत्रालय के पास पूरा रिकॉर्ड होता आपका। अभी जयपुर में पिछले टाइम 12 लड़कियों को पकड़ा गया था, उनको इथोपिया लेके जाया जा रहा था। लड़कियां सहमत थी जाने के लिए। उनको पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, हम विजिट में जा रहे हैं घूमने के लिए। उनको पूछा कौन बुला रहा है, वीज़ा किसने दिया आपको, उनको पता ही नहीं किसने वीज़ा दिया। उनको तो एजेंटों से कॉन्टैक्ट था ना, उनका तो दलालों के माध्यम से। इथोपिया से आप देखिए, डायरेक्ट गल्फ में जाने के बजाय लोग दूसरी कंट्री जैसे थाईलैंड चले गए। अब थाईलैंड तो कोई भी जा सकता है, तो थाईलैंड से भैया गल्फ देशों में आ जाते हैं, इथोपिया से गल्फ देशों में आ जाते हैं। ज़्यादा लड़कियों की डिमांड गल्फ देशों में होती है, आप यकीन करें। अरबी लोग अपने घर में रखते हैं काम के लिए, उनका फिर देश शोषण होता है, शारीरिक संबंध बनाना, मारपीट करना, ये सब कुछ चलता रहता है। ये सच्चाई है, और लड़कियों को पता नहीं होता है, इसलिए वो जाना चाहती हैं। उनको जो सपने दिखाए जाते हैं ना एजेंटों के द्वारा, वो यकीन कर लेती हैं, वो एग्री कर लेती हैं कि ठीक है, हम विजिट वीजा में चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ पे दिक्कत आती है, जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं वाया थर्ड कंट्री के, और फिर वहाँ पे उनको शोषण होता है, क्योंकि उनका कोई अता पता नहीं है किसने भेजा, कहाँ भेजा, क्या किया। ये सब कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।